सो टूडेर गोइंग टू स्टार्ट ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू लेट एफ हमारा फंक्शन है एंड एल बिलोंग्स टू एफ ऑफ ए ए इज़ द सेट ऑफ़ वैल्यूज देन एल इज सेट टू बी द मैक्सिमम वैल्यू और ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ एन एफ इन ए इफ एफ एक्स क्या है लेस देन इक्वल टू एल तो एफ एक्स क्या होगा एल क्या होगा मैक्सिमम वैल्यू ये मैक्सिमम से मैक्सिमम एल है मिनी वैल्यू और लीस्ट वैल्यू इफ ग्रेटर देन इक्वल एल एल क्या होगा यहाँ पे लीस्ट वैल्यू द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ ए फंक्शन सेट इज कॉल्ड द एप्सोल्यूट मैक्सिमम और ग्लोबल मैक्सिमम एंड लीस्ट वैल्यू क्या होगी एप्सल्यूट मिनिमम और ग्लोबल मिनिमम ऑफ सेट ए फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट साइन एक्स ये एफ एक्स है आपका फंक्शन माइनस वन टू प्लस वन ठीक है स्टूडेंट फॉर ऑल रियल नंबर माइनस वन इज द लीस्ट वैल्यू क्यों एफ एक्स क्या है ग्रेटर दैन इज इक्वल टू माइनस वन और मैंने क्या कहा था एल ग्रेटर दैन इक्वल टू एल लेस दैन इक्वल टू एफ एक्स तो एल क्या होगा लीस्ट वैल्यू L क्या होगी लीस्ट वैल्यू सो यहां पे साइन एक्स की साइन एक्स फंक्शन की लीस्ट वैल्यू क्या माइनस वन और वन क्या ग्रेटेस्ट वैल्यू क्यों साइन एक्स इक्वल टू वन और मैंने क्या कहा था डेफिनेशन क्या एफ एक्स लेस देन इक्वल टू एल तो यहां है मैक्सिमम एब्सोल्यूट मैक्सिमम और ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू ठीक है ए फंक्शन डिफाइंड ऑन सेट नीड नॉट हैव मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज इन द सेट कहता जरूरी नहीं किसी सेट में अगर वो फंक्शन डिफाइन है तो उसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू सेट में होगी ही होगी फॉर एक्जाम्पल फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब हैव नीदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम वैल्यू इन रियल आर कहता ना इसकी कोई मैक्सिमम वैल्यू है ना इसकी कोई मिनिमम वैल्यू है माइनस एक्स स्केयर इसकी मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू क्या है ज़ीरो माइनस एक्स स्यर है ना स्टूडेंट माइनस वन स्केयर माइनस टू स्केयर माइनस थ्री स्केयर ये कम होती जा रही है और एट जीरो पे क्या होगा ज़ीरो स्केयर तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई जीरो स्केयर और मिनिमम वैल्यू इसकी कोई भी नहीं है क्योंकि तो ये बढ़ता जा रहा है अप टू इंफिनिटी इट मीन्स इट हैज मैक्सिमम वैल्यू ज़ीरो बट नीदर हैव मिनिमम वैल्यू बिकॉज माइनस एक्स केयर लैदन इक्वल टू जीरो एंड हैज नो मिनिम वैल्यू इन आर सो जरूरी नहीं कि आपकी मैक्सिमम मिनिम वैल्यू हो ही हो इट शुड बी नोटेड डेड एफेक्ट्स नीड नॉट बी नीड नॉट बी ए डिफ्रेंशियबल फंक्शन टू हैव मैक्सिमम और मिनिमम एट ए पॉइंट ठीक है जरूरी नहीं कि आपका डिफरेंशियेबल फंक्शन है और उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू उस पॉइंट पे होगी ही होगी फॉर एग्जाम्पल मॉड एक्स और मॉड एक्स का स्टूडेंट डेरिवेटिव किया हमने क्या आ गया डेरिवेटिव एक्स ओवर मोड एक्स इज नॉट डिफरेंशियबल एट एक्स इक्वल टू जीरो मैं आपको प्रूव भी कर चुका हूं कंटिन्यूटी में एट एक्स इज इक्वल टू जीरो ये डिफरेंशियबल नहीं है पुट कर लीजिए लिमिट एक्स एक्सोच जीरो प्लस ये डेरिवेटिव है स्टूडेंट एफ एक्स हमारा मोड एक्स का या डेरिवेटिव है लिमिट प्लस पे क्या होगा मोड एक्स आपका एक्स आ गया वन और लिमिट एक्स अप्रोची जीरो नेगेटिव के मोड एक्स क्या आ गया माइनस एक्स माइनस वन दोनों इक्वल नहीं है इट मीन्स दिस फंक्शन इज नॉट डिफ्रेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू जीरो लेकिन एफ एक्स हैज लोकल मिनिमम वैल्यू ज़ीरो एट एक्स इज इक्वल टू जीरो लेकिन स्टूडेंट एफ एक्स की मिनिमम से मिनिमम वैल्यू क्या है जीरो क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू तो इसकी है ही नहीं आप पुट करते रहोगे वन का मोड वन टू का मोड टू आ गया ये बढ़ता जाएगा वन थ्री का मोड थ्री आ गया अप टू इंफिनिटी इसका मतलब इसकी कोई मैक्सिमम वैल्यू नहीं है लेकिन मिनिमम वैल्यू कितनी है जीरो जबकि इसका डिफ्रेंशियबल डेरिवेटिव एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा इसका मतलब अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट ना करे तो ज़रूरी नहीं कि उसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू नहीं होगी ठीक है स्टूडेंट मैंने हमने प्रूव कर दिया कि एफ एक्स का डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता ज़ीरो पे लेकिन उसकी मिनिमम वैल्यू है ये तो वैसे जीरो आई स्टूडेंट कुछ भी कुछ भी हो सकती है सो एफ एक्स हैज़ लोकल मिनिमम वैल्यू जीरो एट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो जबकि उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा उस फंक्शन का ठीक है स्टूडेंट अब जरूरी नहीं किसी का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे तो उसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू होगी होगी अब कह रहे एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम और ग्लोबल मैक्सिमम और मिनिमम तो ग्लोबल मैक्सिमा मिनिमा इन ए गिवन इंटरवल ए टू बी वुड ऑलवेज अक्कर एट क्रिटिकल पॉइंट ऑफ एफ एक्स ग्लोबल मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा कह रहा कब अक्कर होगा ऑलवेज अक्कर से पॉइंट पे क्रिटिकल पॉइंट्स पे क्रिटिकल पॉइंट्स पे क्या होगा एफ एक्स जीरो आपका एफ एक्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा उस इंटरवल में ठीक है स्टूडेंट सो इन ऑर्डर टू फाइंड द ग्लोबल मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स बी फाइंड आउट ऑल क्रिटिकल पॉइंट्स हमने क्या निकालने हैं क्रिटिकल पॉइंट्स मीन ऑल पॉइंट्स एट विच एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो और एफ डैश एक्स डज नॉट एग्जिस्ट लेट सी वन सी टू सी थ्री एंड सोन बी सी एन क्या एन पॉइंट्स हैं जहाँ पे एफ डैश एक्स क्या जीरो तो ये एफ ऑफ सी वन एफ ऑफ सी टू एफ ऑफ सी एन क्या होगा उनकी वैल्यूज होगी इन पॉइंट्स पे क्रिटिकल पॉइंट्स पे और ग्लोबल मैक्सिमम क्या होगा एफ ओफ एंड जितनी भी ये आपके क्रिटिकल पॉइंट्स आए हैं उनकी वैल्यूज और एफ ऑफ बी इनमें से जो मैक्सिमम आएगा मीन्स आपको इंटरवल दे रखी है ए कोमा बी फंक्शन दे रखा है एफ एक्स हमने एफ ओफ ए भी निकालना है एफ ओफ बी भी निकालना है और वो भी पॉइंट्स निकालने हैं जहाँ पे डेरिवेटिव क्या आ रहा है जीरो अब इन क्रिटिकल पॉइंट्स को वापस फंक्शन में पुट कर देना एफ ओफ सी वन एफ ओफ सी टू एंड सोन अब इसमें से जो मैक्सिमम आएगा वही आपकी क्या होगी ग्लोबल और एब्सोल्यूट मैक्सिमम सिमिलरली मिनिमम इनमें से जो मिनिमम आएगा वो क्या होगा ग्लोबल मिनिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम ठीक है स्टूडेंट ग्लोबल एक्सट्रीम वैल्यूज डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं कह फिर फाइन ग्लोबल मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स केयर क्या करेंगे हमको पता है परफेक्ट स्केयर ऑलवेज क्या होगा

Zero, तो वो इसकी मिनिमम वैल्यू है सो जीरो इज द ग्लोबल मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स सो एट एक्स इज इक्वल टू जीरो जीरो क्या आ गया जीरो स्क्वायर जीरो तो ये क्या उसकी ग्लोबल मिनिमम वैल्यू इसकी कोई ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू नहीं होगी ऑन रियल नंबर्स में एक्सट्रीम वैल्यूज सेम स्टूडेंट डेट एफ बी ए फंक्शन हमें इंटरवल दी हुई है ए कोमा बी रेलेटिव और लोकल पहले क्या पढ़ा हमने स्टूडेंट ग्लोबल और एफ्सल्यूट अब क्या पढ़ रहे हैं रेलेटिव रेलेटिव मतलब कंपेयर करना रेलेटिव और लोकल मैक्सिमम एंड रेलेटिव और लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ आर कार्ड एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ एफ उनको क्या बोलेंगे एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ एफ फंक्शन फंक्शन दिया हुआ है डिफाइंड ऑन नेबरहुड ऑफ ए एफ डैश ए एग्जिस्ट कर रहा है एफ डैश ए एग्जिस्ट कर रहा है इफ़ एफ हैज इज मैक्सिमम और मिनिमम एट ए देन एफ डैश ए क्या होगा जीरो एंड लेट एफ बी ए फंक्शन डिफाइंड ऑन नेबरहुड ऑफ ए एफ डैश ए जीरो देन एफ नीड नॉट हैव मैक्सिमम और मिनिमम एट ए अब कह रहा है जरूरी नहीं है उसकी भी कोई मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होगी ठीक है स्टूडेंट जैसे हमने अभी एक्स के क्या किया उसकी मिनि वैल्यू थी लेकिन मैक्सिमम वैल्यू कोई भी नहीं थी फॉर एग्जाम्पल एफ एक्स इक्वल टू एक्स एफ डैच एक्स कितना आ गया थ्री एक्स केयर एफ डैच एक्स को क्या पुट करना है जीरो एक्स क्या आ गया जीरो इफ एक्स इज इक्वल हमने नेबरहुड मीन्स एक्स को फॉर एग्जाम्पल पॉजिटिव ले लिया एक्स क्यूब भी क्या आ गया पॉजिटिव और एफ एक्स क्या आ गया एफ ऑफ जीरो पे आपकी वैल्यू क्या होगी 0. और क्या क्या है? Of F of 0. अब X 0 है, अब भी आया ग्रेटर होगा एक्स क्यूब नेगेटिव है एफ एक्स लेस ऑफ एफ ऑफ जीरो आर नॉट पॉसिबल इन ए सिंगल फंक्शन कह रहा है ये दोनों चीज़ें एक सिंगल फंक्शन में पॉसिबल नहीं है तो एफ हैज नीदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम एट जीरो क्योंकि जीरो पे ही वो क्या कर रहा है जीरो पे चेक कर रहे हैं एफ एक्स ग्रेटर जीरो है, है। यहाँ पे जीरो पे ही क्या है f x f अब ये पॉसिबल ही नहीं है इसका मतलब क्या आया एट जीरो एफ हैज नीदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम वैल्यू ठीक है स्टूडेंट अब कह रहा है क्या मेथड है एक्सट्रीम वैल्यूज किसी कॉन्टिन्यूस फंक्शन की फाइन करने का पहले फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट चेक करेंगे एफ बी ए डिफ्रेंशियबल फंक्शन और नेबरवुड ऑफ अल्फा अल्फा आपका स्टेशनरी पॉइंट है मीन डेरिवेटिव जीरो है एफ ऑफ अल्फ़ा पे तो ये नेबरहुड पॉइंट है ए माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा डज नॉट कंटेन एनी अदर स्टेशनरी पॉइंट कह रहा है अब नेबरवुड पे कोई स्टेशनरी पॉइंट नहीं आएगा सिर्फ स्टेशनरी पॉइंट कहाँ पे आएगा अल्फा पे तो अल्फा क्या आ गया पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा इफ़ एफ डैश एक्स चेंज साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव एट एक्स इक्वल टू अल्फा अगर एफ डैफ एक्स का साइन क्या हो रहा है पॉजिटिव टू नेगेटिव हो रहा है कम हो रहा है जिसका मतलब उस अल्फ़ा पॉइंट पे एफ ऑफ एक्स क्या है लोकल मैक्सिमा और अगर एफ डैश एक्स का साइन नेगेटिव टू पॉजिटिव हो रहा है एट एक्स इक्वल टू अल्फ़ा पे एट अल्फा पे एफ ऑफ एक्स क्या आपका लोकल अल्फा पे क्या है अल्फा इज नीदर ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा नोर ए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा इफ एफ डैश एक्स डज नॉट चेंज साइन एट एक्सिकल टू अल्फा पे अगर कह रहा है एफ डैश एक्स का साइन चेंज ही नहीं हो रहा एट एक्सिक्वल टू अल्फा पे तो अल्फा क्या है एट अल्फा पे क्या होगा ना उसकी कोई मैक्सिम वैल्यू है ना उसकी कोई मिनिमम वैल्यू है ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है फिर फाइन लोकल एक्सट्रीम ऑफ एफ एक्स बाय यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट डेरिवेटिव किया टू एक्स माइनस सिक्स एफ डैश एक्स पॉजिटिव करो टू एक्स माइनस सिक्स क्या आ गया पॉजिटिव एक्स क्या आ गया ग्रेटर देन थ्री एफ डैश नेगेटिव पुट करो एक्स क्या आ गया लेस देन थ्री एफ डेश एक्स को जीरो पुट करो एक्स कितना आ गया थ्री एफ डैश एक्स चेंजिज साइन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव एट एक्स इक्वल टू थ्री पे एट एक्स इक्वल टू थ्री पे क्या हो रहा है स्टूडेंट साइन क्या हो रहा है चेंज हो रहा है एफ डैश एक्स का साइन क्या हो रहा है नेगेटिव टू पॉजिटिव अब नेगेटिव टू पॉजिटिव आएगा तो क्या होगा एफ एक्स हैज मिनिमम वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू थ्री ठीक है स्टूडेंट ये देखिए क्या हो रहा है थ्री से ज्यादा पुट किया तो एफ डैश एक्स क्या आ गया पॉजिटिव कम तो पुट किया तो एफ डैश एक्स क्या आ गया नेगेटिव इट मीन्स क्या हो रहा है हम अगर थ्री से ज्यादा पुट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है आंसर नेगेटिव से क्या हो रहा है पॉजिटिव हो रहा है ठीक है स्टूडेंट तो नेगेटिव से पॉजिटिव हो तो एफ एक्स की क्या वैल्यू आएगी मिनिममेंट मिनिमम वैल्यू एफ ऑफ थ्री अब एक्स की वैल्यू यहां थ्री पुट कर दीजिए थ्री स्क्र माइनस सिक्स इंटू थ्री प्लस एट कितना आंसर आ गया माइनस वन सो मैनिम मिनिमम वैल्यू क्या होगी माइनस वन स्टूडेंट तो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट नेक्स में डिस्कस करेंगे थैंक्स